श्रीयुक्त शतपथी आपणको मध्ये स्वागत करुछि। प्रथमे त आज स्वामीजीकर एहि जन्म जयंती रे प्रथम आपणको रिएक्शन कोन रहिबो? देखंतु जहा संपदा आनंद बाबू कहिले स्वामी विवेकानंद होउचंती केवल भारत वर्षर नुहंती अगणित विश्वर अगणित युवक युवती मानंकर प्रेरणार स्रोत। से होउचंती उद्दाम युवशक्तिर होउचंती प्रतीक। से गोटिए कथा सबुबले कहुतिले गिव मी ए फ्यू मेन एंड वुमेन हु आर यंग एनर्जेटिक डायनामिक एंड करेजियस आई कैन शेक दिस एंटायर यूनिवर्स। समग्र विश्व रे मु कंपन सृष्टि करदेवी जदि केते जन सचोट युवक मो हाथ में रे उत्साह। तेणु से जो उत्साह कथा आपण कहले जो करेजर कथा कहले से सब बड़े कहते मोर गोटे छोटिया कथा मन पड़ू। से जिते बड़े बनारस जाते बनारस जातेबले कि माकड़ता गोड़े गोटे पटे गोटे टांकी पानी टांकीटे आउ गोटे पटे गोटे बुदा पड़ी। तेणु से कुआडक न जापारी जो आग को दौड़े से माकड़ गुड़ाक पछेकर कामुड़ा पर्यंत चलीगले। बनारस जड़े आसिक सांगे सांगे बाहर कहले नो यंग मैन स्टैंड देयर फेस देम ताकि तुम्हें सामना कर डरी आउच कौन। सांगे सांगे विवेकानंद ठिया होगले बुलिकी माकड़ को चाहिए से जहाँ कहते शिवंकर से जो तृतीय नेत्र अग्नि स्फुलिंग विवेकानंद तांको चाहणी रे से माकड़ माने सांगे सांगे नतमस्तक हो गले। तेणु विवेकानंद से आह्वान देले जे फेस दि चैलेंजेस। श्रीमद भगवत गीता लेखा जाइछि टू कन्वर्ट ए क्राइसिस इनटू कॉन्फिडेंस। से भली भाव से समस्त क्राइसिस को कॉन्फिडेंस रे परिणत कर दबार जो कौशल जो योगशक्ति जो ऐश्वर्य जो ऊर्जा कहउचंती से जने तेजस्वी जने यशस्वी जने महस्वी एवं जने ऊर्जस्वी युवक 42 वर्ष बयस बंचिकिरी से जहाँ करी कृतित्व एवं व्यक्तित्व इतिहास विश्वर स्वर इतिहास स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होकर रही। तेणु आज जो राष्ट्रीय युवा दिवस आम पालन करुचु भारत वर्षरे जन्मदिन को या यथार्थ युवा दिवस भाव पालन करार कथा कारण सी हूँ समस्त युवक सी निजे स्वयं युवशक्ति होती अवतार स्वरूप मूर्तिमान विग्रह स्वरूप समस्त को से केवेले क्या नैराश्यर वातावरण को ठेली दे नौले जो भाव श्रीकृष्ण जोगेश्वर कृष्ण अर्जुन को तांकर रणांगण जत प्रत्यावर्तन बा युद्ध नक जत चाहूले जत विषाद जोगरे संपूर्ण भाव विषन्न हो पड़ते से विषन्न अर्जुन को प्रसन्न करने से नैराश्य जर्जरित अर्जुन मनरे आशा आकांक्षा संभावना जाग्रत करने श्रीकृष्ण जो भाव उद्दीपनार सहित उत्साह सहित जो प्रेरणार सहित उपदेश ठीक से भाव स्वामी विवेकानंद आज समग्र केवल से बेले नुहे ऊनविंश शताब्दी नुहे 1863 मसीहारू बा जहाँ कहले 1904 मसीहा पर्यंत केवल नुहे अक्षर परम ब्रह्म से जहाँ उपदेश आज केवल एकविंश शताब्दी नुहे से जड़े जुगश्रष्टा भाव उपदेश चिरदिन अम्लान रमर होवेकानंद होउचंती भारत वर्षर जो ऊर्जार सी हूँ प्रतीक युवशक्तिर प्रतीक संस्कृति परंपरा सभ्यता शिक्षा समस्त से सब विषय एवं ये जो नारी जातिर जो सम्मान ताकु दबापाई मातृभूमि जहाँ कहले संपदानंद बाबू राष्ट्रभक्त एवं से भली भाव मातृभूमि जो परिकल्पना से ही विवेकानंद ही करते समग्र भारत वर्ष को से पदप्रजे परिभ्रमण कर शेषर केरल पहुँची कुमारींकर दर्शन करी भारत मातार मूर्ति अंकन करी समुद्र पहरिकी चली जाते आज विवेकानंद रक तांकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व को मध्य गान करुची। जहाँ से कहते 1893 मसीह से जो जाते चिकागो जाते आमेरिकार चिकागो सेठी से धर्मसभा वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट रे से भाषण दबापाई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स से देखिकी जिते बड़े जाते देखिले से पुणी डेफर हो जाए पोस्टपोन हो जाए चिकागो रु जिते बड़े फेरुंट जड़े लेडी बोस्टन आसुचंती जे बोस्टन रे से देखिबे तांकर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम चिकागो रु बोस्टन फेरुंचंती जड़े कौठी रही किसी जापार ना कि आसुचंती बाटे जड़े लेडी से जर्ज हले देखा अतिथि हेले सी
ୱାର୍ଲଡ ରିଲିଜିଅନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ। 7000 ଡେଲିଗେଟ୍ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ହେନରି ରାଇଟ୍ ଜଣେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ ରିଲିଜିଅନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ହିଅର୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଦେନ୍ ଅଲ୍ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ପ୍ରଫେସର୍ସ ଅଫ୍ ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୁଟ୍ ଟୁଗେଦର। ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ, ଏକୀଭୂତ କରିଦେଲେ, ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ହେବ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆଲାଉ ହିମ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରିଲିଜିଅନ୍। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ 1893 ମସିହାରେ ଆପଣ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଓ ସମ୍ବୋଧନ କରିକିରି ଯେଉଁ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, କେବଳ 7000 ଡେଲିଗେଟ୍ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାହା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକରି ରହିଯିବ। ଏ ଜାତିର ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ, ଏ ବିଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାତର ବନ୍ଦନୀୟ, ଏ ବିଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଥା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ।